दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंस्टाग्राम का दूसरा नाम मोटिवेशन ही रख देना चाहिए। आपको हर 3 स्लाइड्स के बाद कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो तो देखने को मिल ही जाती है। इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियोस की रीच इज लाइक इंडियन GDP बढ़ती ही जा रही है। अब चाहे आपको अपनी खुद की वीडियो बनानी हो या फिर आपको कोई थीम पे स्टार्ट करना हो, आपको जस्ट एक कोट लिख लेना है अपनी वीडियो के ऊपर, आपकी वीडियो वायरल होनी ही होनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम वीडियो जो की इस तरह की होती है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। इन वीडियोज में क्या होता है की आपको डिस्ट्रेक्शन से हटा करके जिम की तरफ प्रेरित किया जाता है। वही सेम एक वीडियो रहती है, उसके ऊपर आपको मोटिवेशन कोट लिखना होता है एंड डन। लेकिन इस बार हम सिर्फ मोटिवेशनल कोट ही नहीं लिखेंगे, हम मोटिवेशन कोट के पीछे आवाज भी लगाएंगे। मतलब जो कोट होगा वो कोई बोल रहा होगा आपकी वीडियो में, और सारा प्रोसेस करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरीके की बनेगी। When I feel tired, I just think about how great I will feel once I finally reach my goal. तो सबसे पहले हमें कोई मोटिवेशन कोट फाइंड करना होता है, तो सब कुछ मैं इस फोन की हेल्प से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जिम बेस्ड कोट्स। आपके सामने कई सारे कोट्स आ जाएंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले वाला कोट को कॉपी कर लेता हूँ। कीप इन माइंड आप यहाँ से भी अपने कोट को निकाल सकते हो और ChatGPT का तो आपको पता ही है, तो वहां से भी आपको मोटिवेशनल कोट्स आराम से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा जो पहला कोट है वो डन हो चुका है। अब हमें इसी कोड के अकॉर्डिंगली क्लिप्स चाहिए होंगी। क्लिप्स फाइंड करने के लिए हम दो जगहों पे जाएंगे, पहला है pexel.com और दूसरा है खुद Instagram। तो पहले हम ट्राई करते हैं pexel.com के ऊपर, लेकिन ये कोड आपको माइंड में रखना होगा। यहाँ पे है पहली लाइन, When I feel tired। तो सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट लुक ही टायर्ड के साथ होगा। तो यहाँ पे हम pexel.com पे चलते हैं एंड यहाँ पे आपको वीडियो सिलेक्ट करना होगा एंड सीधा सर्च कर डालो टायर्ड। ये आपके सामने काफी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, लाइक आप ये वीडियो ले सकते हो। आपकी वीडियो जो रहेगी वो पोर्ट्रेट रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। आपको लैंडस्केप वगैरह वीडियो मिल रही है, उसको भी आप डाउनलोड करके जरूर से रखें। तो ये है टाइड वीडियो जो कि हमें डाउनलोड कर लेनी होगी अभी की अभी। कीप इन माइंड अगर आप अपनी खुद की वीडियो बना रहे हैं, मतलब आप भी जिम करते हैं और आपको भी एक जिम इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको भी इसी तरह से अपनी वीडियो को एडिट करना है। अपनी वीडियो के ऊपर मोटिवेशनल कोड जरूर से लिखना, आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी वीडियो वायरल हो गई। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं पहले। ओके, तो ये वीडियो हमारी डाउनलोड हो रही है। अब नेक्स्ट आपको कोड के अकॉर्डिंग ही सेकंड क्लिप को फाइंड करना होगा। तो पहले कोड में देखते हैं क्या था। तो यहां पे नेक्स्ट, आई जस्ट थिंक अबाउट हाउ ग्रेट I will feel once I finally reach my goal। यहाँ पे जो पूरी लाइन बची है ना, ये पूरी एक या दो वीडियोस में कवर हो जाएगी। इसके लिए हमें जिम वीडियोस चाहिए क्योंकि हमारा टॉपिक ही जिम है। तो चले जाओ सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि इस बार हम क्लिप्स ढूंढेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा इजिली जिम। इतना लिखते ही आपके सामने जिम वीडियोस आ जाएंगी। लाइक आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसी को अगर स्क्रॉल अप करते हैं, यू कैन सी काफी सारी वीडियोस हैं, आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी कोई क्लिप नहीं देखने को मिलती है, तो आपको कोई भी इंस्टाग्राम क्रिएटर का अकाउंट खोल लेना होगा जो कि जिम के रिलेटेड काफी ज्यादा पॉपुलर हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीबम। तो ये अकाउंट है, इसकी आप वीडियोस अपने वीडियोस में डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन के ऊपर, तो इस अकाउंट के रिलेटेड जितने भी और अकाउंट होंगे वो भी आपको सजेस्ट हो जाएंगे, लाइक मिस्टर ओलंपिया, लैरी वेल्स। ये अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे भी आपको जिम वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल वीडियो है जिसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं है। अब हमें यहाँ पे इस वीडियो को शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन कॉपी लिंक। इतना करने के बाद आपको सीधा पहुंच जाना होगा क्रोम ब्राउजर में फिर से एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम डाउनलोडर एंड ये पहला स्नैप इंस्टा। यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट करना होगा एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड यू विल सी इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक ऑन डाउनलोड वीडियो एंड देन फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा एंड यहाँ पे आपको सीधा टाइप करना होगा 11 Labs। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, क्लिक ऑन इंग्लिश एंड यहाँ पे आपको अपने कोड को पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने वॉइस एक्टर यूज किया, उसका नाम है कैलम और इसकी वॉइस काफी ज्यादा जिम मोटिवेशन वाली ही है, जो सुनेगा वो मोटिवेट हो ही जाएगा। मैं आपको सुना भी देता हूँ बेसिकली इसकी आवाज। Finally reach my goal. When I feel tired, I just think about how great I will feel once I finally reach my goal. क्लिक करना होगा सीधा आपको डाउनलोड वाले बटन के ऊपर एंड दिस ऑडियो विल बी डाउनलोड। अब करना क्या होगा, जो जो चीजें हमने कलेक्ट करी है उन सबको हमने लेके आना होगा कैपकट एप्लीकेशन में, और कैपकट एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले हमें VPN का यूज करना पड़ता है। कीप इन माइंड। ओके, तो लेट मी कनेक्ट VPN फर्स्ट एंड डायरेक्टली ओपन कर डालो कैपकट एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हमें टाइड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना होगा एंड देन क्लिक ऑन जिम वीडियो जो कि हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करी। इन दोनों चीजों को हम लेके आ जाएंगे कैपकट एप्लीकेशन में। यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे एक ऑप्शन फाइंड करना होगा विच इज फॉर्मेट, क्लिक ऑन इट एंड देन सिलेक्ट 9:16 विच इज अवर इंस्टाग्राम रील्स रेशियो। अब इसको हमने एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू अवर रील्स इस तरह से। अब यहाँ पे एड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन साउंड्स और यहाँ पे 4
फोल्डर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा एंड फ्रॉम डिवाइस। यहाँ पे आपको अपनी वॉइस को सर्च करना होगा, तो यहाँ पे सीधा लिख डालो 11 लैब्स, ये आपकी वॉइस आपके सामने आ जाएगी। आपको क्लिक करना होगा प्लस फ्लैग के ऊपर एंड यू विल सी आपकी वॉइस अब कैपकट में हाजिर है। आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। When I feel tired, I just think about how great I will feel once I finally reach my goal. टायर्ड तक हमें इस क्लिप को रखना है। यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये आगे वाला पार्ट हमें डिलीट करना होगा। अब आगे हमारी वो वीडियो आ चुकी है जो कि हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करी थी। इस ऊपर वाली वीडियो का हमें म्यूजिक म्यूट करना होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको जीरो कर देंगे। ओके, तो ये वीडियो हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे एंड ये बीच वाला पार्ट डिलीट करेंगे एंड अब आप देखोगे इस वीडियो की लुक। I just think about how great I will feel once I finally reach my goal. तो गोल तक हम इसको रखेंगे एंड आगे स्प्लिट करके ये एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर लेंगे। हमारी वीडियो बनके तैयार है, लेकिन काम अभी भी बड़े बचे हैं। अब करना क्या होगा कि हमें इन दोनों क्लिप्स को मैच करना होगा, इनकी कलर ग्रेडिंग सेम करनी होगी। तो यहाँ पे हम ये ब्राइटर क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम नीचे सेलेक्ट करेंगे एडजस्ट। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस सबसे पहले हम कम करेंगे, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम करेंगे, सैचुरेशन अपनी जगह पे ठीक ही है और HSL में जा करके हम ये ग्रीनरी वाला सिलेक्ट करेंगे एंड सैचुरेशन इसकी डिक्रीज कर देंगे एंड येलो के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि इसकी टी शर्ट येलो है, तो इसका सैचुरेशन हम इंक्रीज करेंगे एंड स्किन कलर होता है हमारा ऑरेंज और इसकी हम ल्यूमिनेंस ब्राइट करेंगे। यू कैन सी हमारे स्किन का कलर ब्राइट हो रहा है। यहाँ से टिक करेंगे एंड हाइलाइट्स में पहुंच के थोड़े से हाइलाइट्स हम कम करेंगे एंड शेडोज में हम थोड़े से शेडो डिक्रीज करेंगे ताकि जो डार्क पार्ट है वो और डार्क हो जाए। अब हम टेम्परेचर में जाकर के थोड़ा सा ब्लू स्टोन ऐड करेंगे एंड बिग्निटी में जाकर के थोड़ी सी बिग्निटी ऐड करेंगे एंड देन क्लिक ऑन टिक। अब ये वीडियो थोड़ी सी हमारी मैच हो चुकी है दोनों क्लिप्स। अब जो मेन पार्ट है इसके ऊपर हमें सबटाइटल्स ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को पहले सेव कर लेना होगा। तो क्लिक करेंगे हम इस एरो वाले बटन के ऊपर एंड ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी हमारी गैलरी में। अब यहाँ से हमें फिर से बैक आना होगा एंड देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे उसी वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने अभी अभी सेव करी एंड देन आपको टेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा एंड देन क्लिक ऑन ऑटो कैप्शन एंड देन कंटिन्यू। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे कैप्शन आ चुके हैं। अब हमें इनको डिजाइन करना होगा, आपको इनको लेके आना होगा इन द मिडल। अब हमें क्लिक करना होगा स्टाइल में। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, आप अपने खुद के फॉन्ट इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो यूज करूंगा वो है पराठा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा एंड अब मैं जाऊंगा स्टाइल में और यहाँ पे मैं इन टेक्स्ट को नॉर्मल कर दूंगा। अब मैं सीधा जंप करूंगा एनिमेशन में और यहाँ पे मुझे काफी सारे इन एनिमेशन आउट एनिमेशन देखने को मिलेंगे। कीप इन माइंड आपको जो इन रखना है वही आउट रखना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ कौन सा बेस्ट है। तो ये बाउंस इन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एंड इसकी मैं ड्यूरेशन बिल्कुल कम रखूंगा, लाइक 0.2 सेकंड्स ओनली। अब मैं यहाँ पे टिक करूंगा, सारे टेक्स्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली ये एनिमेशन अप्लाई हो चुका होगा एज यू कैन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन पूरी यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम बैच एडिट में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको इसको सेंटर में रख करके इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा। आप चाहो तो इनका साइज और कम कर सकते हैं एंड देन डन। इस तरीके से आपकी पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी। अब हमें एक ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करना होगा जो कि हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को सेव कर लेना होगा। तो ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करने के लिए हमें चले जाना होगा खुद इंस्टाग्राम के ऊपर ही। ओके, तो मुझे एक म्यूजिक मिल चुका है जो कि मैं आपको सुना नहीं सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। तो क्लिक करेंगे हम सीधा म्यूजिक के ऊपर एंड देन यूज ऑडियो और यहाँ पे अपनी वीडियो को लेके आ जाओ जो कि अभी अभी क्रिएट करी है आपने एंड देन क्लिक ऑन एडिट वीडियो और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंगली म्यूजिक सेट करना होगा। लेट मी सेट। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है, मैं थोड़ा सा आपको सुना भी देता हूँ। तो इस तरीके का मैंने म्यूजिक एडजस्ट कर लिया है। क्लिक करना होगा मुझे डन के ऊपर एंड देन यहाँ पे एरो वाला बटन एंड यहाँ पे कैप्शन वगैरह देने के बाद हमारी वीडियो रेडी है। अब हम बात करते हैं इस तरह के इंस्टाग्राम पेजेस से हम पैसे कैसे कमाएंगे। बेसिकली जिम मोटिवेशन का निश है आपका, तो आपको सप्लीमेंट की स्पॉन्सरशिप काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी और अगर आप अपनी खुद की वीडियो बनाओगे इस तरीके की तब तो आपको ब्रांड्स छोड़ेंगे नहीं। आपके घर में जो सप्लीमेंट आएंगे वो तो आपको ही पता चलेगा, लेकिन अगर आप एक पेज की तरफ जाते हैं तब भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप अपने खुद के प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं, लाइक आप डाइट प्लान दे सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, इन तरह के डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लाइक ये रील्स की अगर हम बात करें तो लोग आपसे पूछेंगे हम कैसे इस तरह की रील्स को बना सकते हैं, तो आप क्या करोगे उनको एक बना बनाया बंडल दे दोगे कि यस इस बंडल में मैंने 200 रील्स अपलोड करके रखी है, डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड कर लीजिए। ये प्रोसेस मैं भी करता हूँ, मेरे भी इंस्टाग्राम के ऊपर मोटिवेशनल पेज है, तो लोगों को मैं क्या करता हूँ कि मोटिवेशनल
वीडियोस सेल कर देता हूँ एज ए बंडल। लोग आसानी से खरीद लेते हैं और अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड करते हैं ताकि वो भी अपने पेजेस को ग्रो करें। मतलब आपके पास ऑडियंस होने चाहिए, पैसे कमाने के तरीके बहुत ही ज्यादा हैं। तो पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपको पेज कैसे ग्रो करना है। ऑडियंस जब आपकी इकट्ठी हो जाती है तब पैसे कमाने के तरीके आपके सामने बहुत आते हैं। ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, अभी आने वाली वीडियोस में मैं काफी कुछ बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप इस तरह की वीडियोस को अपलोड करके YouTube पर सब्सक्राइबर्स गेन करना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।